सो हेलो वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद करने के लिए. इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे, इतने अच्छे कमेंट्स मिले मुझे. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला आगे और वीडियोज़ ट्राई करने के लिए. काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं क्या क्या वीडियो करूँ. सो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट. एंड पिछले वीडियो के साथ लाइक मेरे को थोड़े क्वेश्चंस भी मिले, लाइक जो इंटरेस्टिंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर करूँ. सो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि मैं अपने फेस के पिंपल्स कैसे क्लीन करती हूँ. लाइक मेरे फेस में ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, यू कैन सी क्लीन रहता है मेरा फेस, यूजुअली ऐसे ही रहता है, बहुत रेयरली एक दो पिंपल्स आते हैं. सो मैं करती क्या हूँ कि लाइक कुछ ऐसे कोई क्रीम ऐसा कुछ नहीं करती मैं, सिंपल एंड सॉर्टेड सी चीज़ें हैं. लाइक जब भी फेस में पिंपल होता है मैं कभी भी अपने हाथों से पिंपल को टच नहीं करती, उस पर ना कोई क्रीम लगाती हूँ, मैं उसको टोटली इग्नोर करती हूँ और उसी तरीके से पिंपल सबसे जल्दी हटता है और उसका मार्क भी फेस पे नहीं रहता. तो जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि पिंपल्स को कैसे जल्दी से हटाया जाए, कैसे उनको फेस से निकाला जाए, कैसे उसका मार्क हटाया जाए, अगर आपके फेस में पिंपल्स आते हैं तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए. जैसे फालतू के कमेंट्स इनबॉक्स में आते हैं वैसे ही इग्नोर कर दीजिए. थोड़े दिन इग्नोर करोगे फेस में अपने आप वो चीज़ हट जाएगी, उसको तोड़ने फोड़ने उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि लाइक मैं कैसे अपना ये वीडियो बनाने के इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हूँ. सो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आता, मेरे अंदर से आता है. जब बोरियत ज़्यादा हिट कर जाती है तब ऐसे छोटी छोटी क्रिएटिविटी निकल जाती है लोगों के अंदर से, और कुछ नहीं है. सो एनी हाउ थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस. तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने सोचा क्यों ना हेयर स्टाइल्स पे रखा जाए. पिछला वीडियो मेरा लाइक मेकअप के ऊपर था, तो इस बार मैंने सोचा कुछ बालों पे ट्राई किया जाए. तो मेरे जो हेयर स्टाइल्स हैं वो बहुत कॉमन सिंपल रहते हैं और वो यूजुअली ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अपने हेयर स्टाइल्स चूज करती हूँ. सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे हेयर स्टाइल, सिंपल हेयर स्टाइल शेयर करूंगी, जो आप लोग कहीं पे भी बनाना चाहोगे कर सकते हो. ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी, ना आपको लाइक स्ट्रेटनर कर्लर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, लाइक मैं अपने जो सारे क्लिप्स हैं, बॉबी पिन्स हैं, सब कुछ मैं इस बैग के अंदर रखती हूँ. लाइक ये बैग मुझे थोड़े टाइम पहले ही मिला है, बट उससे पहले मैं एक बॉक्स में डाल के रखती थी, क्योंकि मेरे जो क्लिप्स वगैरह हैं ये पहले रहते हैं. सो सी इसके अंदर ये भी है, लाइक ये मेरा जुगाड़ है, जब मेरे को कुछ नहीं मिलता इससे काम चलाती हूँ. एंड लाइक सी पिन्स क्लिप्स, एंड ये भी है बनाना क्लिप. लाइक मेरे को ना हेयर स्टाइल बनाना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत पसंद है. यूजुअली मैं अपने बाल खुले रखती हूँ तो मेरे को ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती. एनी हाउ सो फर्स्ट हेयर स्टाइल जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. और एक और चीज़ मेरे पास आज ये भी है, ये मैंने एक बैकअप के लिए रखा हुआ है, लाइक अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, वरना तो मेरे हाथ ही काफ़ी है. सो फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है वो बहुत कॉमन हेयर स्टाइल है जो मैं यूजुअली बनाती हूँ. लाइक साइड को ब्रेड बनाती हूँ मैं. तो ये जो हेयर स्टाइल है ये यूजुअली सबसे ज़्यादा मेरे हेयर स्टाइल में से पसंद किया गया हेयर स्टाइल है, तो इसीलिए इसको मैं पहले दिखा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये हेयर स्टाइल बनाने से पहले मैं करती क्या हूँ, अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे नीचे से थोड़ा सा पंप अप कर देती हूँ, ताकि बाल थोड़े वॉल्यूम ज़्यादा लगे इनमें. एंड व्हाट आई डू इज लाइक अगेन मैं एक साइड पार्टीशन कर लेती हूँ, एंड फिर उसके बाद व्हाट आई डू इज ओके सो लाइक पार्टीशन कर लिया. नाउ व्हाट आई डू इज ये जो बाल हैं इन बालों को मैं, ये मेरे आगे से मैंने खुद ही काटे थे, छोटे छोटे बाल हैं, इनको मैं खुद ही लाइक ऐसे रोल कर लेती हूँ, ऐसे आगे से बाल लेके. सी सिंपल रोल, मैंने कुछ नहीं किया. एंड मैं इसको यहाँ साइड में पिन, एक बॉबी पिन की मदद से लाइक सी सिंपल मैंने पिन की मदद से कर दिया उधर. और यहाँ से आगे से मैं थोड़े से बाल को आगे खींचूंगी, ताकि आगे ज़्यादा मेस्डअप ना लगे. नाउ व्हाट आई डू इज यहाँ से थोड़े से बाल निकाल लिए, देन अगेन उसके नीचे से ही थोड़े से बाल लेके, अरे फुल इंफेक्शन वो बाहर से आंटी आती, तो मैं उसके जस्ट नीचे से बाल ऐसे ले लेती हूँ. इसको भी मैं ऐसे रोल करके, सी यहाँ पे साइड में फिंगर तक, सॉरी ये से बल्कि मैं तो निकालने में दिक्कत होती. सो यहाँ पे ऐसे पिन कर लिया. सी नाउ साइड से अगेन थोड़े से बाल लिए, रोल किया, एंड देन अगेन साइड में ले जाके पिन कर दिया. अभी तक सिंपल एंड सॉर्टेड है. आगे के बाल लिए पिन कर दिया, उसके नीचे से बाल लिए पिन कर दिया, साइड से बाल लिए पिन कर दिया. एंड ये जो छोटे छोटे बाल है इसको मैं आगे आने के लिए ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि जब हम ब्रेड्स बनाते हैं फेस काफ़ी ज़्यादा लाइक चिपका चिपका सा लग जाता है. सो इतना हो गया. अब यूजुअली मैं पीछे को ब्रेड्स नहीं बनाती, मैं साइड को बनाती हूँ. तो क्या करती हूँ मैं कि सारे बाल को लिए एक साइड को सिंपल. नाउ व्हाट आई डू इज इन बालों को आगे को लेके मैं, जैसे कि ये मेरे पूरे बाल हैं, इनको मैंने दो हिस्सों में ऐसे बांट लिए. सी
मैंने इनका पार्टीशन कर लिया है ऐसे 1 and 2. सो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ से इस वाली साइड से एक मतलब थोड़ा सा बाल लिया सी ऐसे यहाँ से मैं पीछे से ले गई और मैं इस साइड को ले आई. ओके सिंपल. अब मैंने इस वाली साइड पे उस बाल को पिक कर लिया. नेक्स्ट व्हाट आई डू इज यहाँ से थोड़े से बाल लिए यहाँ से पीछे से ले गई एंड इस साइड को मैंने इसको ऐड कर दिया. सी बेसिकली मैथमेटिक्स है थोड़ा सा. यहाँ से माइनस करना है थोड़ा सा घुमा के पीछे से ला के यहाँ पे इस बाल को ऐड करना है. सेम प्रोसेस इधर भी यहाँ से थोड़ा सा बाल लिया घुमाया नीचे से यहाँ पे लाए ऐड कर दिया. देन अगेन यहाँ से लिया नीचे घुमाया ऐड कर दिया एंड दिस प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आपके बाल एंडिंग तक पहुँच ना जाए. ओके इट्स वेरी इजी स्टेप. ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं है एंड सिंपल ब्रेड से अच्छा भी लगता है सो इट्स नाइस. सी आप अभी से देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है वो. सी सो मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने भी रिसेंटली सुना था लाइक अबाउट अ बॉय नेम मानव. तो उसके बारे में था सम लाइक किसी लड़की ने झूठा रेप का कुछ उसके ऊपर नाम लगा दिया था और जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था. सो गाइज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी चाहे वो छोटा सा छोटा बड़ा से बड़ा क्यों ना हो. सो बी केयरफुल किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी पोस्ट करने से पहले एंड ओके सी मैं ये एंडिंग तक पहुँच गई. सी नाउ मैं थोड़ा क्लोजअप में दिखा देती हूँ मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं. ओके नाउ व्हाट आई डू इज ये तो हो गया ऐसे मैंने यहाँ से नीचे से अपने हाथों से पकड़ रखा है. अब मैं क्या करती हूँ क्योंकि जिनको लाइक अपने बालों का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा सा पसंद है लुक्स में उनके लिए मैं ये बता रही हूँ लाइक अपने बालों को ऐसे थोड़े थोड़े करके ऐसे खींचना. मैं मतलब यूजली मैं ये करती हूँ लाइक इससे होता क्या है कि आपके बाल थोड़े लाइक थिक लगते हैं और आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी प्यारा लगता है. सी अब ये मैं दूसरे साइड से कर रही हूँ. ज़्यादा नहीं खींचना कि आप अपने पूरे बालों को बिगाड़ दो थोड़ा लाइक कम खींचो बालों को बट थोड़ा सा ऐसे मेसी मेसी सा रखना तो वो दिखने में भी अच्छे लगेंगे. सी ओके नाउ इट इज डन. अब मैं एक नॉर्मल रबर बैंड सी इसको लेके मैं यहाँ पे ऐसे टाई अप कर लूंगी. नाउ यू कैन सी ओके तो ओके ऐसे छोटे मोटे बाल आपके बाल निकल सकते हैं ब्रेड्स में से दैट्स परफेक्टली फाइन वो अच्छा लगता है इनफैक्ट. सो यू कैन सी माय फर्स्ट हेयर स्टाइल इट्स वेरी सिंपल इट्स वेरी नॉर्मल लाइक देखो पीछे से भी इट्स वेरी वेरी सिंपल और ये कैजुअली आप कहीं पे भी यू नो बना के जा सकते हो. ये बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ये यू नो कुर्ताज और जीन्स के साथ बहुत प्यारा लगता है. सो यू शुड ट्राई दिस. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट हेयर स्टाइल. सो सेकेंड जो हेयर स्टाइल है मैं जो दिखाने वाली हूँ वो भी काफ़ी सिंपल है लाइक हाँ जो फर्स्ट टाइम ट्राई करें उनके लिए नहीं है बट यूजली ये हेयर स्टाइल काफ़ी सिंपल ही रहता है. सो ये जो है ये अगेन ब्रेड से रिलेटेड है. तो मैं करूँगी क्या कि सी मैं अपने सारे बालों को पीछे को ले लिया है. नाउ मैं एक सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ. सी एग्जैक्ट नहीं है ये बट काम चला हुआ काम चला हुआ है. ओके सो आई नो मैं सेंटर पार्टीशन में थोड़ी बुरी लग रही हूँ बट झेल लो. सो सी ये सेंटर पार्टीशन कर लिया है मैंने. अब मैं क्या करूँगी कि सी आगे से ब्रेड्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है जिन लोगों को मतलब हेयर स्टाइल सीखना है उनके लिए मैं बता रही हूँ. तो एक सिंपल सा वे है जिससे ब्रेड्स वाले लुक भी दे सकते हो आप आगे से और वो मतलब करने में भी बहुत ईजी है. सो वॉट यू हैव टू डू इज आगे से थोड़े से बालिए सी इतने से बालिए. नाउ इनको ऐसे हाफ कर दो ठीक है सिंपल. नाउ इनको ऐसे मतलब टर्न कर दो. उसके बाद टर्न करने के बाद नीचे से थोड़ा सा बाल लिया लाइक थोड़ा सा जो उस साइड को टर्न किया है उसके साथ ही जाके एडअप कर दो. सी ऐसे अब इसको दोबारा से टर्न करो. टर्न करने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ से बाल लो इतना सा एंड ऐड कर दो उधर. फिर इसको ऐसे टर्न करो अगेन यहाँ से बाल लो फिर अगेन टर्न कर दो. एंड जिन लोगों को फेस चिपका चिपका सा नहीं पसंद उनके लिए ऐसे बाल निकालना ऑप्शनल है ठीक है. और फिर दोबारा से मैं ऐसे बाल ले रही हूँ सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ. टर्न किया अगेन थोड़े से बाल लिए एडअप किया
टर्न किया, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे तक ऐसे रोल करूंगी, सी सिंपल, अब रोल किया, इतना क्लियर है नाउ। मतलब अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए क्या करना है, अगेन ओके, मेरी कटिंग जो है वो काफ़ी बेकार है, मैं खुद काटती हूँ बाल तो इसलिए ये छोटे छोटे बाल है, आई एम सॉरी, बट आपको करना क्या है कि इसी रोल को थोड़ा सा खींच के मेसी सा लुक देना है, तो इट विल लुक गुड। ज़्यादा मत खींचना, वो ओवर लगेगा। सी नाउ यू कैन सी दिस, और ये छोटे बालों को इग्नोर कीजिए प्लीज़। ओके दिस इज डन, अब मैं ये टिक टिक वाले क्लिप्स से यहाँ पे अभी के लिए एडजस्ट कर रही हूँ, एंड एक साइड का डन, ये छोटे बाल हैं इनको मैं थोड़ा आगे रखूँगी। नाउ व्हाट आई डू इज सेम गोज विद नेक्स्ट साइड, ठीक है, अब वही सेम चीज़ सेम प्रोसेस रिपीट करना है, थोड़े से बाल लिए, सी इतने से बाल लिए, इनको डिवाइड कर दिया, टर्न किया, नीचे से थोड़े बाल लिए यहाँ से, ऊपर को ऐड कर दिया यहाँ पे, देन रोल अगेन, अगेन एक सम है, सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार, सी सी इट्स वेरी इजी। जिसको ब्रेडेड लुक्स पसंद है, जिनको लाइक नॉर्मल बाल रखने से ज़्यादा ऐसे लुक्स पसंद है, उनके लिए ऐसा इस बहुत सिंपल और इजी है, और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये आपके हर लुक्स के साथ जाएंगे, लाइक चाहे इंडियन हो वेस्टर्न हो, तो सी डन, मैं इनको फिर से ऐसे थोड़ा सा खींच के लूज लूज सा कर दूंगी, सी अगेन फिर से क्लिप, ओके नाउ यू कैन सी सेकेंड हेयर स्टाइल, सिंपल ईजी, अच्छा लग रहा है, ओके ये सब होता है, सी दिस इज ईजी राइट, सो सेकेंड हेयर स्टाइल इज ऑल्सो डन। अगर आप इसको इंडियन क्लोथ्स के साथ पहन रहे हैं तो लाइक विद अ स्मॉल बिंदीज एंड ऑल, इट विल लुक वेरी गुड, आपका फेस सिंपल और लाइक काफ़ी अच्छा लगेगा, और ऐसे लुक्स यूजली बहुत यू नो हर कपड़े के साथ जाने वाले लुक्स हैं। सो एनी हाउ नेक्स्ट मूव वॉज थर्ड हेयर स्टाइल, सो ओके नेक्स्ट हेयर स्टाइल भी कुछ सिंपल सा रखते हैं और कुछ ऐसा रखते हैं जो लाइक थोड़ा डिफरेंट हो। तो यूजली लोगों को लाइक पफ्स पसंद है, लाइक लड़कियों को यूजली मतलब छोटे छोटे पफ्स पसंद है, और वो लाइक पहले के टाइम वाले नहीं, जो लाइक लड़कियां स्कूल में बना के जाती हैं माउंटेन जैसा, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल पफ्स जो बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ उसके साथ कैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं। सो इसके लिए आप कंघी यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सो अगेन मैं सारे बाल पीछे को ले रही हूँ, सी ओके नाउ करूँगी क्या कि यहाँ से थोड़े से बाल लिए लाइक दिस, सी मैंने साइड से थोड़े से बाल लिए, इनको मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे रखा एंड थोड़ा सा आगे को करा। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो इसको यहाँ से, अगर आपका ऐसे पफ नहीं बन रहा ढंग से, तो आप एक और काम कर सकते हो, लाइक इन बालों को रोल करा, सी लाइक दिस, एंड हल्का सा ऐसे उठा दिया, सी परफेक्ट। अब मैं इसको क्लिप से सेट कर दूंगी, नाउ यू कैन सी नॉर्मल पफ है। अब इसको नॉर्मल रखने की जगह अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो करूंगी क्या कि साइड में से मैंने थोड़े से बाल लिए, जस्ट थोड़े से, एंड प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स कैसे, नॉर्मली आप प्लेट्स को ऐसे तीन में डिवाइड कर लेते हो, सी ऐसे, देन ऐसे ऐसे करके बनाते हो, है ना, वैसे ही प्लेट्स को इस बार उल्टा बनाना है, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, हाँ नॉर्मल प्लेट्स हैं, चुटिया बनाते हो आप लोग, वैसे ही है सिंपल नॉर्मल सा प्लेट, इसको थोड़ा नीचे तक ऐसे ही प्लेट्स बना के रखेंगे, सी सी सिंपल नॉर्मल प्लेट्स। अब अगेन हर हेयर स्टाइल में सेम ही प्रोसेस रिपीट होता है, अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे खींच के, नो लाइक ये थोड़े पतले हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है लाइक ऐसे खींचने में वगैरह, बट वंस यू डू इट प्रॉपरली तो वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा मत खींचना अपने बालों को, तोड़ वोड़ मत देना, लाइक नॉर्मली रखना। मैं यूजली ये इसलिए करती हूँ क्योंकि वॉल्यूम, जैसे बाल वॉल्यूम ज़्यादा
बालों में दिखता है तो वो अच्छा भी लगता है एंड हेयर स्टाइल को एक यू नो ब्यूटीफुल सा टच भी देता है. सो नॉर्मल सा ब्लेड्स बनाया था उसी को मैं थोड़ा सा यू नो ऐसे खींच खींच के. हाँ नाउ व्हाट आई डू इसको यहाँ पे इसको लाइक मैंने यहाँ से ऐसे लिया एंड साइड पे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बॉबी पिन से सेट कर दूंगी. एंड सी अगर ऐसे बाल निकल रहे हैं तो अगेन यू कैन डू वन थिंग पीछे से इनको थोड़ा सा खींच के सेट कर दो और एल्स सी अगेन एक बॉबी पिन इसको लेके बालों के अंदर को फंसा दो ताकि पिन भी ना दिखे और आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब ना हो क्योंकि मेहनत वेस्ट हो जाती है पूरी. सी नाउ इट्स डन मेरा पिन भी नहीं दिख रहा है एंड हेयर स्टाइल भी सही है. सो सेम गोज विद द नेक्स्ट साइड थोड़े से बाल लिए हैं साइड से. सी नाउ अगेन किन में डिवाइड किया एंड प्लेट्स बनाए सिंपल नॉर्मल ब्लेड. सी इट्स वेरी इजी और लाइक जिन लोगों को ज़्यादा यू नो साइड पार्टीशन ये सब पसंद नहीं है उनके लिए तो ये हेयर स्टाइल लाइक इज़ टू गुड. आप ये कहीं पर भी लिख करके जा सकते हो. अगेन मैं जो भी हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ वो सारे इंडियन और वेस्टर्न लोग के साथ जाने वाली हैं. मैंने पहले ही बताया था मैं अपने जो हेयर स्टाइल्स हैं वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हूँ. सो एंड यूजली मैं पॉनिटेल्स नहीं बनाती वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं लाइक बहुत मतलब कि बाल तो पीछे से तो अच्छे लगते हैं लेकिन आगे से चिपका चिपका से ना बिल्कुल बहुत अजीब सा लगता है. सो मैं यूजली पॉनिटेल्स नहीं बनाती और एल्स कहीं पे भी जाना होता है कुछ ना मिले तो मैसी सब बन बना लो ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा सेक्सी सा लगता है लेकिन सबसे मज़ेदार लड़कियों पर तो मैसी बन बहुत ही प्यारा लगता है बहुत ज़्यादा. ओके इट्स डन अब मैं इसको साइड से यहाँ पे लेंगी एंड अगेन नॉर्मल पिन से यहाँ पे सिक्योर कर लूँगी. सी नाउ साइड से आप देख सकते हो आपके जो ब्रेड्स हैं कितने प्यारे लग रहे हैं. मैं एक बार ऐसे दिखा लेती हूँ कि इट्स लुकिंग लिटिल डिफरेंट एंड ईजी. सो ये है मेरे थर्ड हेयर स्टाइल और ये है मेरा थर्ड हेयर स्टाइल. सो लास्ट और फाइनल हेयर स्टाइल पर जाते हैं. सो गाइस मेरा लास्ट और फाइनल हेयर स्टाइल जो है वो भी लाइक वो तो सबका फेवरेट है वो तो अगर किसी को कुछ आता भी ना हो तो भी बना सकते हैं. और इस हेयर स्टाइल में मैं कोई बॉबी पिन कोई क्लिप कुछ यूज़ नहीं करूँगी आई जस्ट यूज़ दिस. ये मेरा फेवरेट यू नो चीज़ है जिससे मैं अपने बाल बनाती हूँ. सो यूजली दिस इज़ अ बन एक्चुअली दिस इज़ द मेसी बन. तो सारे बालों को मैंने एक साथ ऊपर को ले लिया लेकिन सी दिस नाउ साइड से थोड़े से बाल क्योंकि ये मेसी बन है साइड से थोड़े से बाल ऐसे निकाल लिए ताकि ये ज़्यादा चिपका चिपका सा ना लगे. देन नॉर्मली सी यहाँ पे ऐसे रोल किया एंड सी इस स्टिक को मैंने ऐसे लगा दिया. नाउ यू कैन सी माय बन इट्स जस्ट ऐसे ही हैं तो लाइक मैं ऐसे ही बंस बनाती हूँ और हर बार ये नया ही बन जाता है बट इट लुक्स गुड इट लुक्स वेरी ऑसम. सो ये थे मेरे हेयर स्टाइल्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए अगेन लाइक शेयर एंड कमेंट और जिनको मतलब जो चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ लाइक और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं आप लोगों के लिए कैसा वीडियो बनाऊँ और ऐसा कुछ जो मैं कर सकूँ लाइक मैं उसी टाइम मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्या बना सकती हूँ लाइक क्या कर सकती हूँ घर पर बैठे बैठे. सो दिस वॉज माई वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे एट होम स्टे सेफ एंड जैसे मैंने पिछली बार बोला था लॉकडाउन है अपने आप को इम्प्रूव करो डेली अपने आप का बेटर वर्जन निकालो हर बार हर दिन हर सेकेंड लाइक ट्राई समथिंग एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए. सो टिल देन टेक केयर बाय बाय.